नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हमारे पास से ये सन किंग की एक ग्रीन लाइट, जो कि सन किंग कंपनी से आती है ग्रीन लाइट, ये आपको दिखाई देगी। ग्रीन लाइट सन किंग की ही प्रोडक्ट है। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसकी आप सबसे पहले पैनल आप देखेंगे तो पैनल इसकी 5 वोल्ट की होती है, और कुछ रीज़न और कुछ यूज़ ऐसे होते हैं जैसे सर्दी के मौसम में ये परफेक्ट रूप से प्लेट से चार्ज नहीं हो पाती है। तो आज इंस्टॉल करने वाले हैं ये पिन, और ये पिन कैसे इंस्टॉल करनी है क्योंकि इसकी वर्जन अलग अलग आती है। कुछ वर्जन 5 वोल्ट के होते हैं, कुछ वर्जन 9 वोल्ट के होते हैं, और कुछ वर्जन 12 वोल्ट के होते हैं। तो 9 वोल्ट में कैसे ऐड करनी है, 9 वोल्ट को भी आप लाइन के चार्जर से आसानी से चार्ज कर सकते हैं, यानी कि फ़ोन की जो चार्जर होती है, ये वाली फ़ोन की चार्जर, ऐसी फ़ोन की चार्जर से इस सोलर को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। कैसे करनी होगी, जैसे कि ये 5 वोल्ट की है तो उसके लिए दूसरा विधि होगा, 12 वोल्ट का होगा उसके लिए दूसरा विधि होगा, 9 वोल्ट का होगा उसके लिए दूसरा विधि होगा। लेकिन आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं 5 वोल्ट पे। तो अगर 12 वोल्ट और 9 वोल्ट की भी वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको मतलब कि उस पर कुछ अलग से बताएँगे कि उसको फ़ोन के चार्जर से कैसे चार्ज करनी है। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे इसमें ये पिन ऐड की जाती है, और सारी की सारी प्रोसेस क्या होती है, और कैसे कैसे इसकी सारी स्टेप पूरी की जाती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर वीडियो पूरा वॉच करना है तो ही आप वीडियो को देखें, नहीं तो स्किप करके वीडियो को चले जाएं। तो चढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसमें कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो वीडियो में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नहीं है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो नए यूट्यूबर के लिए और नए इलेक्ट्रिशियन के लिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसको पहले ओपन कर लेनी है, और सबसे यूनिक आपको क्या होती है इसमें सुरक्षा, यानी कि आपको ये जैसे 44-40 एम्पलीफायर या वैसे आपको ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल लाइटिंग की जैसी नहीं होती है, इसको बहुत ही सावधानी के साथ काम की जाती है। तो खोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से इसकी इंट्रोडक्शन मिलेगी आपको। तो सबसे पहले इसके बैटरी को इसमें से निकाल करके ज़रूर साइड कर दें, यानी कि बैटरी के इसमें लगे हुए आपको काम नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक होल बनाएंगे इस पिन को ऐड करने के लिए। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करना होगा। होल कैसी बनानी है कि जैसे कि आपको ये पिन अच्छे तरह से इसमें एडजस्ट हो जाए, हो पाए, और इसमें से अगर पिन डाल के ऐसे खींचते हैं, कितने में क्या होती है प्रॉब्लम, इतना होल बना देता है लोग कि इसको पिन को डाल के ऐसे खींचते हैं तो साथ साथ पिन निकल के आ जाती है बाहर, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इसको कैसे होल बनानी है वो भी आपको विधि समझना होगा। तो आपको होल बनाने के लिए इसको होल बनानी होगी, आपको इस साइड भी बना सकते हैं, जैसे ये हमको कनेक्टिंग करना होगा अभी, तो कनेक्टिंग के साथ साथ हम देख के एडजस्ट, जगह को देख करके ही एडजस्ट करेंगे। तो हम इसको लगाएंगे इस साइड, यानी कि इस साइड ऊपर की साइड हम इसको ऐड करेंगे। तो ऊपर की साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे जगह खाली बची है यहाँ पे, तो हम इस पे एक आयरन से सबसे पहले एक पतली होल मारेंगे ऐसे, जैसे मैंने एक होल मार लिया, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना पतला होल मैंने मारा है। और थोड़ी सी इसको जूम कर देते हैं, हम देखेंगे आपकी आपको कितनी पतली जूम मतलब कितनी पतली होल हमने मारे हैं। और इस होल को मारने के बाद अब आपको लेनी होगी सेमनी, इस तरह की सेमनी को लेकर के, और सेमनी को इसमें डाल के अच्छे तरह से ऐसे नचाते नचाते ऐसे पूरा आपको टाइटली नचा नहीं देनी है, और नचाने के बाद में ये जो बचती है इसको आपको कट कर देनी होगी। कट कैसे करनी है, इसको ऐसे यहाँ से कट कर दें, आपको पूरा होल मोटा नहीं करनी है, इसको ऐसे कट कर देंगे। फिर हमको इसको इसमें डाल के हम चेकअप करेंगे कि हमारी पिन एडजस्ट हुई है कि नहीं, लेकिन फिर भी अभी टाइट है, हम फिर इसमें डाल के इसको राउंड करेंगे, और फिर थोड़ी सी पतली मतलब थोड़ी सी और चौड़ी कर लेंगे हम पिन को। तो पिन हमारी थोड़ी सी चौड़ी हो चुकी है, अब देखेंगे कि आप हमारी पिन अब टाइटली इसमें बैठ चुकी है, ऐसे टाइट बैठ चुकी, अब हो गई है फाइनल फिक्स। इसमें लिक्विड विक्विड कुछ नहीं, फेविक्विक वगैरह कुछ नहीं डालनी है, अब इसको मतलब खोल लेनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसका वायर का कनेक्शन, यानी कि ये जो वायर होती है इसकी वायर को कनेक्शन करने के बाद भी आपको एक विधि होती है, वो क्या विधि होती है आपको जाननी होगी। जैसे ये हो गई, अब आप डायरेक्टली इसको वायर को जोड़ करके आप चाहेंगे चार्जिंग ले लेने का तो नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये नहीं लेती है चार्जिंग, अगर डायरेक्टली चार्ज में जोड़ के बैटरी डालेंगे तो आपको चार्ज नहीं उठाएगी। क्या विधि होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तार कहाँ जोड़ी जाती है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो तार जोड़ने के बाद आपको दिखा दूँगा, क्योंकि काम करते टाइम आपको तार जोड़ते टाइम दिखाऊँगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए हम इस ट्रैकर को मतलब टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो हमारी एक ट्रेकर ये जो धारी बनाई रहती है, ये धारी ये होती है हमारी प्लस की ट्रेकर, यानी जो ये पिन लगी रहती है 5 वोल्ट पिन, इसकी ये प्लस की ट्रेकर होती है। और एक सबसे कमाल की बात ये मैं बताऊँगा आपको कि ये ऐसा नहीं है कि ये वाली पिन की सिस्टम इसकी चली जा रही है, नहीं, लाइट नहीं है तो आप सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, लाइट है तो आप पिन से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अब इसको हम टेस्टिंग करते हैं। तो हमारी ये एक प्रोट हम यहाँ टेस्ट करेंगे, और एक हमको यहाँ चेकअप करनी होगी कि हमारी प्लस की कंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है।
तो हमारी प्लस की रीडिंग यहाँ शो कर रही है, तो हमको एक प्लस यहाँ पे जोड़नी होगी, और इसके जस्ट बगल सेकेंड नंबर पे होती है माइनस, तो माइनस को हमको माइनस भी टेस्ट करनी होगी कि माइनस हमारी कहाँ जा रही है। तो माइनस हमारी इस रेजिस्टेंस के अगले वाले सिरे पे जा रही है, तो माइनस हमको यहाँ ऐड करना होगा और प्लस हमको यहाँ ऐड करना होगा। तो प्लस और माइनस दोनों को हम इसमें ऐड करते हैं। ऐड करके मैं आपको इसको जूम रूप से क्लियर रूप से आपको दिखा दूं कि कहाँ इसकी ऐड की जाती है और कहाँ क्या होती है। ये हो गई हमारी ज्वाइंट, आप कहीं भी सोल्ड नंबर है, थोड़ी सी मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्लस मैंने जैसे यहाँ से टेस्ट किया तो यहाँ कंटिन्यूटी बजी तो हमने यहाँ डाला, और माइनस का हमारा यहाँ बजा तो हमने यहाँ डाला। फिर से हम प्लस माइनस को एक बार और कन्फर्म हो जाते हैं, तो हमने इसको डाला यहाँ तो हमारी यहाँ कंटिन्यूटी है, और सेकेंड वाले को हमारी यहाँ कंटिन्यूटी है। तो ये हो गई। अब आप डायरेक्टली अगर इसमें चार्जिंग डालेंगे तो नहीं लेगी, तो इसके लिए क्या विधि होगी? तो अब मैं करता हूँ अपने चार्जर को सामने, तो ये हमारी बोर्ड आ गई सामने। अब मल्टीमीटर को हटाइए। अब क्या करनी होगी, सबसे पहले आपको इस बैटरी को इसमें ऐड करना होगा, और बैटरी को ऐड कर दिए अब आप देखेंगे तो ये चार्ज नहीं उठाएगी। जैसे मैं आपको दिखा दूं तो ये अब चार्ज, जैसे बैटरी को डाल चुके ना आप, तो अब आप इसको देखेंगे तो ये चार्ज नहीं उठाएगी। बैटरी को डाल दिए, अब फिक्स कर दिए, लेकिन अब इसको चार्ज में हम डालेंगे तो चार्ज नहीं लेगी। कैसे लेगी चार्ज वो भी आपको जानकारी मैं पहले आपको दिखा दूं। तो ये हमारी चार्ज अभी नहीं ली है, चार्ज नहीं ली है। अब ये क्यों चार्ज नहीं ली है ये भी मैं आपको बताता हूँ। बैटरी जैसे ही डालें आप, एक बार चार्ज, एक बार लाइट को ऑन करके ऑफ ज़रूर कर दें। ये ऑन हो गई, अब ऑफ हो गई हमारी लाइट। अब चार्ज में डालेंगे तो हमारी चार्जिंग ले लेगी, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा चार्जिंग ले ली है। अगर वहीं आप डायरेक्टली बैटरी लगा करके और डायरेक्टली चार्ज में डालते तो नहीं लेती, क्योंकि रीज़न होता है, कुछ लीसन होता है इसका। लीसन ये होता है कि इसमें लगते हैं, इसमें लगे रहते हैं ऑपरेटिंग आइसिंग सिस्टम, क्योंकि जब तक आपकी बैटरी मतलब आपके ये बटन स्विचिंग नहीं करती है तब तक आपकी ये मेन आईसी तक करंट नहीं पहुँचती है। तो जब फाइनल करंट पहुँच जाएगी तभी आपकी चार्जिंग ले पाएगी। तो रही बात 12 वोल्ट चार्जर की, तो 12 वोल्ट के चार्जर से आपको चार्ज करने वाली वो अलग क्वालिटी की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़े से कुछ कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी सन किंग लाइट को आसानी से मतलब कि ऐसे इस क्वालिटी से बना सकते हैं। अब एक और आपको चुनौती आपको कैसे पहचाननी होगी कि कौन हमारी 5 वोल्ट की एडाप्टर है और कौन आपकी 12 वोल्ट की है, तो उसको पहचानने के लिए आपको एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि ये जैसे आपको ये पतली पिन होगी, तो ये आपको अप्रोक्सली ये वाली पिन जो होती है वो 5 वोल्ट में आती है, और इससे थोड़ी सी मोटी हो जाएगी वो 8 वोल्ट में आएगी, और वही सेम साइज़ मोटी होती है वो 12 वोल्ट में आती है। बैटरी के साइज़ को भी देख के आसानी से समझा जा सकता है। सो फाइनल मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी की सारी जानकारी ऐसे समझ में आ चुकी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक हमको दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो में।